नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही बेरोजगारी की दर में कमी दर्ज की गई है। यूपी चुनाव 2022 का परिणाम 10 मार्च को आया, उसके बाद से रोजगार की दिशा में काम भी किए जाने का दावा किया गया है। और राजस्थान, दिल्ली और पंजाब को भी योगी की यूपी ने पीछे छोड़ दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को रोजगार के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.4% से गिरकर महज 2.9% ही रह गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताजा सर्वे में ये कहा गया है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। यूपी के बाद आता है तमिलनाडु, जिसका बेरोजगारी दर 3.2% है, केरल की 5.8% तो बंगाल में 6.2%, पंजाब में बेरोजगारी दर 7.2% है, राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.8%, झारखंड में 14.2% बेरोजगारी दर है, दिल्ली में 11.2% है। CMIE की मंथली रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बेरोजगारी दर मार्च के 4.4% से घटकर अप्रैल में 2.9% ही रह गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 2017 से 2022 के बीच 5,00,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की ओर से रोजगार को ध्यान में रखकर चलाई गई योजनाओं ने नए कारोबार और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाई है। उद्योग और व्यापार में वृद्धि की वजह से यूपी में सबसे कम बेरोजगारी है। योगी सरकार ने नए कार्यकाल में हर परिवार से कम एक व्यक्ति को नौकरी या रोजगार देने का वादा किया है। योगी सरकार के सामने बेरोजगारी दर का न्यूनतम स्तर पर रखने की चुनौती होगी और अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब रहती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसे भुनाने का प्रयास कर सकती है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया था। योगी सरकार का दावा है कि पिछले 5 सालों में युवाओं को रिकॉर्ड रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा अब सरकार के स्तर पर रोजगार के अवसर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। जैसा कि चुनावों से पहले बेरोजगारी मिटाने का वादा किया गया था, सीधे तौर पर वैसे ही सीएम योगी ने भी जो कहा वो किया। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।